हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादास कुजीन। आज मैं लाई हूँ 15 मिनट में बाजार से भी अच्छे घर पे ही आप ढोकला बनाने की रेसिपी। ये ढोकला बनाने में बहुत ही आसान है और उतनी स्पॉन्जी और जालीदार बनी है। देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छी जाली आई है। क्या कोई कहेगा ये 15 मिनट में हमने बनाए हैं और इसे जब हम तड़का लगाएंगे तो ये इसकी जो जाली है वो और बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से 15 मिनट में ढोकला कैसे बनाया जाए। और इसके साथ मैं लाई हूँ एक स्पेशल चटनी। ढोकले के साथ खाने के लिए एक स्पेशल चटनी बनती है और ये चटनी हमेशा ढोकला बनने के बाद ही बनती है। वो क्यों है ये आगे वीडियो में मैंने शेयर किया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ये छन्नी रख दी है। आपके घर पे जो भी छन्नी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने रखा है 1 कप बेसन और 1/4 कप, यानी 1 कप और 1/4 कप बेसन मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे, इससे इसमें ज़्यादा अच्छे से हवा भी आ जाएगी जो ढोकले को सॉफ्ट बनाने में मदद होगी और जो छोटे छोटे लम्स रहेंगे वो भी निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और शादास कुजीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन को छान करके रेडी कर लिया है, तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर जार, उसमें रखा है मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी। आपको अगर हल्का सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा चीनी बढ़ा सकते हो। 1/2 छोटा चम्मच नमक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वो है साइट्रिक एसिड। इससे ढोकला में हल्का सा खट्टापन आता है। अगर आप ये नहीं है तो इसके जगह पे नींबू का रस या थोड़ा सा विनेगर भी रख सकते हो। थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए 1 चुटकी भर हींग। हींग रखने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल ज़रूर रखिएगा। तेल रखने से आपका जो ढोकला है वो अंदर से मॉइस्ट रहते हैं और वो गले में बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। अब हम इसमें रखेंगे 1/2 कप पानी। पहले 1/2 कप पानी रखकर आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी पीस लेना है। देखिए, पीस करके हमारा ये घोल रेडी हो गया है। तो चलिए अब बेसन की तरफ चलते हैं। इसमें हल्का सा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1 चुटकी भर हल्दी। हल्दी ज़्यादा ना रखें, वरना आपके जब ढोकले बनकर रेडी हो जाएंगे तो उसमें रेड कलर के स्पॉट्स आते हैं। और जो हमने मिक्सर में पीसा हुआ घोल था उसे भी रखकर पहले अच्छी तरह से बेसन में उसे फेंट लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन विस्कर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से फेंट जाए और इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। एक साथ ज़्यादा पानी ना रखें, क्योंकि जो बैटर है वो ज़्यादा पतला हो गया तो आपके ढोकले अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तब भी नहीं बनेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए मैंने सारी डिटेल में इस वीडियो में शेयर की है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी रखा है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से लगातार फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ही हवा इसमें आएगी और आपके ढोकले उतने ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैंने इसे 6 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बबल्स भी आए हैं, यानी बहुत अच्छी तरह से इसमें हवा गई है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जैसे गाढ़ी लस्सी होती है ये उसी तरह का है। तो ऐसा ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तब भी आपका जो ढोकला है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह से बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी रखा। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा है तो बाकी की चीज़ें हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ढोकला बनाने के लिए केक टिन का यूज़ किया है। इसके जगह पे आपके घर पे कोई भी डब्बा हो या कुकर का डब्बा या बर्तन, छोटे छोटे पतीले, आप किसी में भी ढोकला बना सकते हो। तो जिसमें भी आपको ढोकला बनाना है उसे अच्छी तरह से तेल लगाकर ग्रीस कर ले, ताकि जब आप ढोकला निकालो तो वह आसानी से निकल जाए।
ढोकले के बैटर को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। जब तक हम पानी चढ़ा रहे थे गैस पर और केक टिन को ग्रीस कर रहे थे तो 15 मिनट हो गए। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से और एक बार मिक्स कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बेसन जो है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी रहता है, तो ऐसा ना हो इसलिए अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसमें हम रखेंगे 1 टीस्पून खाने वाला सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, केक वाला बेकिंग पाउडर नहीं, ये खाने वाला सोडा है। और जैसे आप सोडा रखो, 1 टीस्पून सोडा रखा है उतना ही मैंने यहाँ पे पानी रखा, और इसे हाथ से आपको 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से फेंटना है। अब जितने अच्छे से फेंटेंगे, देखिए आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से वॉल्यूम में आ गया है, बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम हवा भर गई है। तो ये काम आपको बहुत ही फटाफट करना है। अगर आप ज़्यादा फेंटोगे तो आपका जो ढोकला है वो बीच में से बैठ भी जाएगा, तो ढोकला नहीं बैठना चाहिए। इसलिए बराबर घड़ी का टाइमर लगाकर 30 से 40 सेकंड तक आप एकदम हाथ से फेंटिए, और उसके बाद इसे ग्रीस की हुई जो केक टीन है यानी जिस बर्तन में आप ढोकला बना रहे हैं उस बर्तन में फटाफट आपको ट्रांसफ़र करना है। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि केक टिन को पहले से ही ग्रीस करना है, और जो पानी आप बॉईल करने के लिए रख रहे हो वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे आना चाहिए, यानी पानी भी उबला हुआ होना चाहिए। खाली गर्म रहेगा आप और उसी वक्त अगर आप ये केक टिन रख दोगे तो उसे प्रॉपर स्टीम नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। देखिए आप देख सकते हो कि पानी यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, बबल आ रहा है। तो अब हम इसमें फटाफट से केक टिन रख देंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे इसी तरह से स्टीम होने देंगे। आप अगर आपने ये चीज़ में देरी कर दी तो आपका ढोकला हल्का सा बैठ जाएगा, यानी वो जितना वॉल्यूम में इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं बनेगा। अगर वो वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं हुआ तो अंदर से उतनी अच्छी जालीदार भी नहीं बनेगी। और इसे आपको 15 मिनट तक बिल्कुल भी ढक्कन नहीं खोलना है, नहीं तो ढोकला अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे छुरी रख कर चेक कर रही हूँ। देखिए ढोकला अच्छी तरह से रेडी हो गया है, हमारा जो नाइफ है जो छुरी है वो एकदम क्लीन आ गई है। अब हम ढोकले को निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ढोकला बनके रेडी हो गया है, तो जब तक ढोकला हमारा ठंडा हो रहा है उसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे रखा है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे राई। 1 बड़ा चम्मच राई मैंने ऐड किया है। स्लिट की हुई हरी मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद है आप वो रख सकते हो, और 8 से 10 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता ज़रूर रखें, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें सफ़ेद तिल का भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छा सा फ्लेवर देता है। अभी सारी चीज़ों को 1/2 मिनट तक अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी, और पानी के साथ हम इसमें रखेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा शक्कर रख सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उबाल आने तक 1 से 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लिया, और आप देख सकते हो कि इसकी जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये परफेक्ट साइन है कि हमारा जो ये तड़का है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो चलिए तब तक हम ढोकले की तरफ चलते हैं। ढोकला अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और आप देख सकते हो कि इसने साइड भी छोड़ दिया है, यानी हमारा ढोकला जो है ठंडा भी हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है। तो सबसे पहले नाइफ से उसके साइड के एजेस अच्छी तरह से निकाल लें, और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। मैं आपके सामने ही फ्लिप करके दिखाती हूँ कि ये ढोकला कितना अच्छा और परफेक्टली बना है। फ्लिप करने के बाद इसे हल्का सा टैप कीजिएगा, और वाओ देखिए कितनी जालीदार, और केक टिन देखिए एकदम से क्लीन निकला है, यानी जितने अच्छे से तेल लगाया उतने अच्छे से ढोकला निकला है। मैं ढोकला आपको कट करके दिखाती हूँ। वाओ देखिए ये कितना जालीदार बना है, और जब हम इसे तड़के में भिगोएंगे तो इसकी जाली और बड़े हो जाएगी, और देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी भी है। इसी तरह से
बाकी के ढोकले को भी हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। और इसके साथ खाई जाने वाली स्पेशल चटनी तो बाकी है और उसे हम बनाएंगे ढोकला बनाने के बाद। क्यों, आगे आपको पता चल जाएगा। हमने जो तड़का बनाकर रेडी कर लिया था, अब वो तड़का हम इस ढोकले के ऊपर रख देंगे। और जब आप तड़का रखो तो वो हल्का सा गर्म होना चाहिए ताकि आपके जो ढोकले हैं वो अच्छी तरह से उसे एब्जॉर्ब कर लें। और आप जितने अच्छे से ऊपर से इसके तड़का रखोगे, बीच बीच में भी आपको पानी रखना है, जिससे जो अंदर की साइड से भी अच्छी तरह से वो पानी अच्छी तरह से सोख ले। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से तड़का एब्जॉर्ब करने के लिए रख दें। तो जब तक हमारा ढोकला रेस्ट कर रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए, हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च जितना आपको तीखा पसंद है, और उसके साथ ये स्पेशल चीज़ यानी ढोकला जो हमने बनाया था। तो ये ढोकले से क्या होगा, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी आएगा। और थोड़ा सा नींबू का रस रखना ना भूलें और नमक स्वाद अनुसार, और आधा कप पानी रखकर इसे अच्छी तरह से पीस लें। हमारी चटनी और ढोकला दोनों रेडी हैं। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और देखते रहिए शारदास कुजिन और नए रेसिपीज़ के साथ।